सो हेलो एवरीवन, दिस इज देवांकु चक्रवर्ती, करेंटली सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट आर जी कॉम मेडिकल कॉलेज कोलकाता। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट माय फर्स्ट डे एक्सपीरियंस एट द ऑपरेशन थिएटर। तो सेकेंड ईयर में हम लोगों का जो प्रैक्टिकल और थ्योरी क्लासेस होते थे, उसके साथ साथ एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट्स क्लिनिकल पोस्टिंग। अब क्लिनिकल पोस्टिंग में क्या होता है, मतलब हम लोगों का पहले महीने में पोस्टिंग है इन द सर्जरी डिपार्टमेंट। तो सर्जरी डिपार्टमेंट में तीन डिविजन्स है, एक है तुम्हारा ओपीडी जहाँ पे तुम्हें पेशेंट्स को जाके डॉक्टर्स देखते हैं, और वहाँ पे तुम्हें मतलब साइड में खड़े रह के देखना पड़ेगा कि कितने टाइप ऑफ केसेस आ रहे हैं, कैसे केसेस है। और सेकेंडली देयर इज द हिस्ट्री टेकिंग ऑफ पेशेंट्स, तुमको वार्ड में राउंड्स पे जाना पड़ेगा, मतलब तुमको एक बेड अलॉट किया जाएगा और वहाँ पे जाके तुमको पेशेंट का हिस्ट्री लेना पड़ेगा और जो केस है उसका कोरिलेटिंग तुम्हें पॉइंट्स बताया जाएगा एज सच। और थर्ड मोस्ट इंटरेस्टिंग इज़ योर ओटी, मतलब ऑपरेशन थिएटर में तुमको जाना पड़ेगा। ऑपरेशन होगा, तुम साइड में खड़े रहोगे, तो एक्चुअली मतलब ऑपरेशन में कुछ तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहे, मतलब ऑपरेशन में तुम्हारा कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, तुम जस्ट देखोगे साइड में खड़े रह के क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो यही सब कुछ है क्लिनिकल पोस्टिंग, ठीक है। सुबह से यार काफ़ी एक्साइटेड थे क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में पहली बार जाने वाले हैं, और जो ऑपरेशन हमने देखा दैट वाज ऑफ लैप्रोस्कोपी कोलेसिस्टेक्टोमी। सो यहाँ पे तुमको अगर मैं आसान भाषा में समझाऊँ तो इट वाज बेसिकली माइक्रोसर्जरी ऑफ द गॉल ब्लैडर, मतलब गॉल ब्लैडर को निकाला गया था, ठीक है। सो इसके कुछ वीडियोज़ में आगे चल के मैं तुमको दिखाऊंगा वीडियो में, और इसके साथ साथ थ्योरी क्लासेस प्रैक्टिकल क्लासेस भी होते हैं। और यार थ्योरी में पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और फार्माकोलॉजी तीन सब्जेक्ट्स हैं। जो तीन सब्जेक्ट्स हैं ना, इसमें यार याद रखना पड़ता है, मतलब बहुत चीज़ तुमको मेमोराइज़ करना पड़ता है। और मेरे ख्याल से यार मेमोराइज़ करने का बेस्ट तरीका है बाय क्वेश्चन सॉल्विंग। तो यहाँ पे मैं बेसिकली यूज़ करता हूँ प्रेप लैडर फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। इनका जो क्वेश्चन बैंक 3.0 है, इसके बारे में मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूँ। तो इस बेसिकली इस क्वेश्चन बैंक में तीन फीचर्स है, एक या तुम्हारा एक्टिव गाइडेंस, तुम यहाँ पे साइड पे देख सकते हो, मतलब यहाँ पे अगर तुमको एक क्वेश्चन दिया जाएगा इसके जो क्लिनिकल पोर्शंस है जिसके रिगार्डिंग तुम्हारा आंसर बनेगा, जिसको यूज़ करके तुम आंसर तक पहुंच सकते हो, ये पार्ट्स हाईलाइटेड है, तुम देख सकते हो। एक्टिव गाइडेंस, तुमको यहाँ पे गाइड किया जा रहा है कि कौन से पार्ट के बेसिस पे तुम आंसर को सोचोगे, ताकि तुम डाइवर्ट ना हो जाओ, तुम्हारा टाइम भी बचे और जल्दी से तुम आंसर तक पहुंच पाओ। और यहाँ पे यार 80% ऑफ क्वेश्चंस क्लिनिकल बेस्ड है, मतलब अकॉर्डिंग टू द NMC गाइडलाइंस जो नेक्स्ट एग्जाम होगा दैट विल बी मोर ऑन द क्लिनिकल साइड। इसके रेस्पेक्टिव अगर तुम सोचो तो क्लिनिकल नॉलेज पे एक स्पेशल इंपॉर्टेंस दिया गया है इन द क्वेश्चन बैंक। अगर तुम कोई क्वेश्चन गलत करते हो, यहाँ पे तुमको उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी मिल जाए, मतलब तुमको फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन तुमने गलत किया, ठीक है, तुमको फिर से यार उस टॉपिक पे वापस जाके वो कॉन्सेप्ट समझना नहीं पड़ेगा, एकदम वही के वही वो मतलब जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है उसका वीडियो ओपन अप हो जाएगा, जहाँ से ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है ये वाला पार्ट ट्रिम्ड आउट करके तुम वही से ही देख सकते हो, ठीक है, तुम्हारा टाइम भी बचेगा और जल्दी से जल्दी तुम चीज़ों को सीख भी पाओ। यहाँ पे यार कैटेगरी वाइज डिमार्केशन तुमको मिलता है, फॉर एग्जांपल किसी टॉपिक को तुम पढ़ रहे हो, इसके टॉपिक के कोरिलेशन है इन द वेरियस सिस्टम, फॉर एग्जांपल नर्वस सिस्टम में एक पार्ट है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में एक पार्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक पार्ट है, तो सिस्टम वाइज क्वेश्चन प्लेस्ड है ताकि तुम यार एक टॉपिक को अच्छे से कवर कर सको वन एट अ टाइम। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रेप लैडर ऐप का लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, तो अगर तुम चाहते हो तो उसको जाके डाउनलोड कर सकते हो और ये सारे फीचर्स एंजॉय कर सकते हो। So OT first day, let's go. अभी आप यार लाइफ में पहली बार ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद मतलब क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा, मतलब क्या कुछ चीज़ मैंने कुछ सीखा, ठीक है। तो एक चीज़ तो यार मैंने देखा कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो एक्साइटमेंट सीरियसनेस कैसा होता है, कैसे यार मतलब ऑपरेशन एक्चुअली में होता है अंदर, मतलब हम लोगों का यार मूवी में एक अलग कॉन्सेप्ट है ऑपरेशन का कि एक डार्क रूम होता है, उसमें एक लाइट दिया जाता है, उसके बाद ऑपरेशन होता है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, मतलब जो ऑपरेशन थिएटर होता है दैट्स वेल लाइटेड, ऐसा कोई डार्क रूम का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये एक बहुत ही मिथ जो मैं सोचता था कि ऑपरेशन थिएटर ऐसा होता है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, बहुत सारे लाइट्स होते हैं, ठीक है। और यार ज़्यादा कुछ तो हम नहीं सीखे, मतलब हम साइड में खड़े थे और एक PGT सर हम लोगों को एक्सप्लेन कर रहे थे द प्रोसीड्योर विच वॉज कैरीड फॉरवर्ड, और साथ साथ हम स्क्रीन में देख रहे थे क्योंकि जो सर्जरी था इट वॉज नॉट ओपन सर्जरी, इट वॉज अ माइक्रो सर्जरी, तो माइक्रो सर्जरी जो
मतलब किया जा रहा था उसका वीडियो हम स्क्रीन पे देख रहे थे, तो सीख रहे थे कि कौन सा पार्ट ऊपर है नीचे है, गॉलब्लैडर को कैसे निकाला गया। और यार इन दी एंड ऑब्वियसली यार इट वॉज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो यही बेसिकली मतलब अच्छा लगा और क्या है, ठीक है। तो बस यार आज के लिए यही तक बेसिकली कन्वे करना चाहता था माई फर्स्ट डे एक्सपीरियंस एट ओटी। तो ऐसे ही वीडियोज़ के साथ आता रहूँगा इस चैनल पे, ऑट हो चुका है, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड एटलीस्ट 2 वीडियोज़ पर वीक। तो बस यार आज के लिए यही तक, मिलता हूँ बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।